शकरकंदी को उबाल लिया था और इसके छिलके को भी हमने उतार लिया है। तो हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम शकरकंदी को डाल देंगे। हमने ये 400 ग्राम शकरकंदी ली है। अब मैं इसमें एक चम्मच सौंफ डाल दूंगी। सौंफ का वीडियो शूट नहीं हो पाया था। अब इसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी को डाल देंगे। हम ये पूरी व्रत के लिए तैयार कर रहे हैं, हम इसमें डालेंगे सिंघाड़े का आटा। तो मैं इसमें 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बस शकरकंदी से ही हमें जो है अपने डो को तैयार करना है और अच्छे से हमें गूंथ लेना है। तो दोस्तों, शकरकंदी काफ़ी मीठी होती है, इसलिए मैंने चीनी थोड़ी डाली। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी को बढ़ा भी सकते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है, तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, साथ में 10 मिनट हो भी गए हैं। तो हम आटे को फिर से जो है अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हम इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा लगा करके इसे बेल लेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से बेलेंगे। ज़्यादा हम इसे नहीं बेलेंगे क्योंकि ये थोड़े फटते हैं। तो पूरी ऐसे ही बनेगी, बस इसे ऐसे ही हम बेल लेंगे। अपनी पूरी को हम सेक लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम हाई रखना है क्योंकि ऑलरेडी हमारी शकरकंदी जो है उबली हुई थी, तो हमें बहुत धीमी आंच में इसे नहीं सेकना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा कलर हमारी पूरियों में आ गया है। तब से हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। मीठा पूरी जो है बनके तैयार।